कार्यक्रम चल रहा है। कैसे हैं सभी बच्चे? उम्मीद है सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी की क्लास शुरू करने से पहले फ्री टाइम तो ओंकार करेंगे, उसके बाद क्लास शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, ज्वाइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। आराम चल रहे हैं। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं चित्रों के नाम। चित्र आप जानते ही हैं, है ना, जो कि बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। चित्र बनाना, पिक्चर बनाना, उनमें कलर करना, तरह तरह के, है ना। तो आप जानते ही हैं कि चित्र क्या होते हैं। पहले हम कर भी चुके हैं, 2 अक्षर में, 3 अक्षर में, 4 अक्षर में, और मात्राएं भी काफी सीख चुके हैं, उनमें भी हम कर चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, पहले चित्रों को देखेंगे, है ना, फिर पहचानेंगे कि ये कौन सा चित्र है, उसको समझेंगे, और फिर उस शब्द को बोलकर हम उस शब्द को लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे? उस चित्र का, जो वह चित्र है। ठीक है, और कहाँ पर कौन सी मात्रा हम बोल रहे हैं, उस चित्र के नाम पर वहां पर हम उस मात्रा को लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आज हम चित्रों को देखने के लिए और उनके नेम लिखने के लिए। ठीक है बच्चों, हाँ, तो ध्यान से देखना आप, कौन सा चित्र है ये, इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है, इसमें कौन कौन सी मात्रा आएंगी, इस शब्द को कैसे लिखेंगे, है ना, वो सब आपको देखना है अच्छे से। सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे सारे चित्रों को। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने उ की मात्रा के चित्रों के नाम, जो कि हम अभी 3 दिन से सीख रहे थे, है ना। सारे बच्चों ने देखा होगा ना वीडियो, हाँ, उससे उनको समझ में आया होगा कि यह है उ की मात्रा कौन सी होती है, कैसी होती है, कब लगाते हैं। तो यहाँ पर आज मैंने बहुत सुंदर 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 आप लोगों के लिए चित्र बनाए हैं, है ना। आप उनको पहले चित्रों को देखेंगे कि यह कौन सा चित्र है। सबसे पहला कौन सा चित्र है, क्या बोलते हैं इसको? फूल। क्या बोलते हैं? फूल। अब इस फूल को हम बोलकर देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि कहाँ पर कौन से स्वर की ध्वनि हमको सुनाई दे रही है। जैसे फा के साथ में हमको उ स्वर की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो हमने बच्चों यहाँ पर फा के साथ में किस मात्रा को लगाया है? नीचे उ की मात्रा को, और ला के साथ में कोई भी मात्रा की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है, इसलिए हमने ला के साथ में कोई भी मात्रा को नहीं लगाया है। तो बच्चों, यह क्या है? फूल। और यह है, हमने क्या लिखा है? फूल। तो ऐसे ही आपको लिखना है। अब यहाँ पर देखिए, यह क्या है बच्चों, सुन में आ रहा है? आलू। क्या है? आलू। तो पहले हम क्या बोल रहे हैं? आ, तो हमने आ लिखा हुआ है यहाँ पर, उसके बाद में लू, तो ला के साथ में उ सुनाई दे रहा है ना, तो हमने ला के नीचे किस मात्रा को लिखा है? उ की मात्रा को। ठीक है, तो यह क्या हो गया? आलू। तो ऐसे ही आप भी लिखेंगे। ठीक है, तो यह क्या है बच्चों, पहचानने में आ रहा है? ध्यान से देखो, भालू। क्या है? भालू। कहाँ रहता है भालू? जंगल में। सब बच्चों को पता है ना, भालू जंगल में रहता है, फॉरेस्ट में, हाँ। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? भा। तो भा के साथ में हमको आ सुनाई दे रहा है, तो हमने आ की मात्रा लिखी है। लू। ला के साथ में उ सुनाई दे रहा है, तो हमने यहाँ पर ला के नीचे उ की मात्रा रखी हुई है। ठीक है बच्चों, तो कैसे पढ़ेंगे इसको? भालू। और ऐसे ही आप इसको लिखेंगे। ये तो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं ना। क्या है? काजू। क्या है बच्चों ये? काजू। तो काजू में के देखो कैसे बोलकर देखेंगे हम? का। तो का के साथ में क्या सुनाई दे रहा है? आ। तो हमने यहाँ पर आ की मात्रा लगाई हुई है। जू।
तो जा के साथ में क्या सुनाई दे रहा है, ऊ। तो जा के नीचे हमने किस मात्रा को रखा हुआ है बच्चों, ऊ की मात्रा को। तो यह क्या हो गया, काजू, काजू। तो इस तरह आप बोलेंगे समझेंगे तो आराम से उसका नाम लिख सकते हैं। यह क्या है बच्चों, आपके घर में होता है ना, ये मम्मी सब्जी काटती है ना, काटती है ना से सब्जी, हाँ, चाकू। क्या है, चाकू। तो हमने देखो कैसे लिखा है चाकू, चा मीन्स चापरा की मात्रा, ऊ का के साथ में ऊ सुनाई दे रहा है, तो हमने किसकी मात्रा लिखी हुई है, ऊ की, है ना। तो यह क्या हो गया, चाकू। यस, यह क्या है बच्चों, चूहा। क्या है, चूहा। तो चा में हमको क्या सुनाई दे रहा है, ऊ। चा के साथ क्या सुनाई दे रहा है, ऊ। तो हमने किसकी मात्रा लगाई हुई है चा के नीचे, ऊ की मात्रा लगाई हुई है। हा, हा के साथ में क्या सुनाई दे रहा है, आ। तो हमने आ की मात्रा लगाई हुई है। तो यह इसको कैसे पढ़ेंगे, चूहा, चूहा। अभी और देखते हैं नए नए। अच्छा, सारे बच्चे मिल्क पीते हैं ना, दूध पीते हैं सारे बच्चे, हाँ मुझे पता है सारे बच्चे दोनों टाइम दूध पीते हैं ना, हाँ। तो सब बच्चों को पीना भी चाहिए, जो बच्चे नहीं पीते हैं उनको पीना चाहिए ना, हाँ। तो दूध क्या है, यह है दूध। तो देखते हैं दा के साथ में क्या सुनाई दे रहा है हमको, ऊ। तो हमने ऊ की मात्रा को लगाया। ध, धा के साथ में केवल धाई सुनाई दे रहा है और कोई भी ध्वनि हमको सुनाई नहीं दे रही है धा के अलावा, इसलिए हमने केवल धाई लिखा है, उसके साथ में कोई भी मात्रा को नहीं जोड़ा है। तो कैसे पढ़ेंगे बच्चों इसको, दूध, दूध। तो आप भी ऐसे ही दूध की पिक्चर के साथ में ऐसे ही लिखेंगे दूध, ठीक है, बोलेंगे और लिखेंगे, है ना। और मात्रा को समझेंगे कि अब इसके साथ में कौन सी मात्रा आएगी। ये भी बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, पार्क में जाते हैं, किसी किसी के घर में भी गार्डन में लगे हुए हैं, लगे हुए है ना। आजकल तो बच्चे पार्क में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अपने ही गार्डन में झूलते हैं बच्चे, झूलते हैं ना। और झूला झूलना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, लगता है ना, मजा आता है उनको तेज तेज झूलने में, है ना। ये क्या है बच्चों, झूला। क्या है, झूला। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो झू, तो झा के साथ में हमको ऊ सुनाई दे रहा है तो हमने ऊ की मात्रा को लगाया। ला, ला के साथ में हमको आ सुनाई दे रहा है तो हमने आ की मात्रा को लगाया। तो हमने झूला को कैसे लिखा, झूला, झूला। ये भी सबके घर में होती है, होती है ना, इसके बिना तो घर की सफाई नहीं होती, बहुत जरूरी है सुबह सुबह सफाई होना घर की, है ना। हाँ, तो सबके घर में होती है ना, ये समझ में आ रही है, किसकी पिक्चर है, किसका चित्र है ये, झाड़ू। क्या है बच्चों, झाड़ू। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो चित्र को देखकर हम बोलकर, झा, तो झा के साथ में आ सुनाई दे रहा है तो हमने आ की मात्रा को लगाया हुआ है। ड़ू, ड़ू के साथ में क्या सुनाई दे रहा है, ऊ, तो हमने ऊ की मात्रा को अड़ा के नीचे लगाया हुआ है। तो क्या हो गया, यह है झाड़ू। बहुत आसान है, आप भी जब समझ के लिखेंगे ना, सोच के लिखेंगे और बोलकर देखेंगे एक दो बार कि किसके साथ में कौन सी मात्रा सुनाई दे रही है, तो आसानी से लिख सकते हैं, है ना। अरे वाह, ये भी बहुत सुंदर है, कलरफुल है बहुत। क्या है बच्चों, यह है डमरू। इससे भी खेलने में बच्चों को बहुत मजा आता है बजाने में। ये किस भगवान के हाथ में होता है, शंकर भगवान के, हाँ, वेरी गुड। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो पहले बोलकर देखेंगे हम, ड म रू, तो रा के साथ में हमको ऊ सुनाई दे रहा है। तो बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया था कि रा के नीचे नहीं लगाते हम, रा के बीच में ऊ की मात्रा को लगाते हैं। तो यहाँ देखो हमने कैसे लिखा हुआ है, डमरू, डमरू। तो आप इसको भी आसानी से लिख सकते हैं। यह भी आपको बहुत देखने को मिलती है, मिलती है ना, मार्केट में जाते हैं, किराने वाले अंकल की दुकान पर जाते हैं, सब्जी मंडी जाते हैं, है ना। तराजू से क्या करते हैं, सामान को तौलते हैं, कितना है, 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है ना, 100 ग्राम है, 50 ग्राम है, या 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है। इस प्रकार से ये तराजू किस काम आती है, सामान को तौलने के काम आती है, है ना। तो इसको भी देखते हैं हम कि इसको कैसे लिखेंगे हम, तराजू, तराजू। ता सिंगल है ना, इसके साथ में हमको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है ता के अलावा, तो हमने कोई भी मात्रा नहीं लगाई हुई है इसके साथ में। रा, रा के साथ में हमको आ सुनाई दे रहा है तो हमने यहाँ पर आ की मात्रा लगाई हुई है।
जू के साथ में हमको उ सुनाई दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर उ की मात्रा को लगाया हुआ है, जो कि आप आजकल सीख रहे थे, है ना। अभी और देखेंगे, ये क्या है बच्चों, सूरज। सूरज कब आता है, सुबह। क्या देता है सूरज हमको, रोशनी देता है, धूप देता है ना। हाँ देखो, अब इसको बोलकर देखेंगे हम, सूरज सूरज। तो सा के साथ में कौन सी स्वरध्वनि सुनाई दे रही है हमको, ऊ की। तो हमने सा के नीचे ऊ की मात्रा को लिखा है, र, और जा के साथ में हमको किसी भी मात्रा की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है, तो हमने उनको अकेला अकेला ही लिखा हुआ है। देखो र और ज, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, सूरज सूरज। तो इसको भी आप आसानी से लिख सकते हैं चित्र को देखकर, फिर उसको नाम को बोलकर। यह क्या है बच्चों, फूलदान। फूलदान किसको बोलते हैं, हमने बताया था ना आपको, फ्लावर पॉट को। किसको बोलते हैं, फ्लावर पॉट को। ये भी सबके घर में होते हैं, सब फ्लावर लगाते हैं ना। हाँ सभी प्लांट्स लगाते हैं, सबके घर में है ये। तो देखो इसको बोलकर देखें हम, फू, तो पापे ऊ की मात्रा, फू ल दा न, फूलदान। फा के साथ में हमको ऊ सुनाई दिया, तो हमने ऊ की मात्रा को लगाया। ला के साथ में कोई भी मात्रा नहीं सुनाई दी। दा के साथ में आ सुनाई दिया, तो हमने आ की मात्रा को लगाया। और ना के साथ में हमको कोई भी मात्रा की ध्वनि सुनाई नहीं दी, तो हमने केवल ना ही लिखा। और इसको कैसे पढ़ेंगे, फूलदान फूलदान फूलदान, यानी फ्लावर पॉट। इसको भी आप जब बोल कर देखेंगे तो आसानी से लिख सकते हैं। अब ये है, ये भी बच्चों को बहुत पसंद है ना। सर्दियों में आता है ना ये वाला फल, खाते हो ना आप लोग बहुत। हाँ क्या है ये, अमरूद। क्या है बच्चों, अमरूद, है ना। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हो आप लोग, गुआवा। हाँ तो देखते हैं अमरूद कैसे लिखेंगे, ये तो बहुत ही आसान है। अमरूद अमरूद, तो आ के साथ में कुछ भी नहीं है ना। हाँ तो धीरे सुनाई दे रहा है हमको अ, तो हमने अकेला लिखा हुआ है। म धीरे सुनाई दे रहा है हमको, कोई भी स्वर ध्वनि नहीं है, तो म अकेला। रू, रा के साथ में हमको लंबा ऊ सुनाई दे रहा है, तो हमने यहाँ पर ऊ की मात्रा लगाई हुई है। द, दा भी हमको धीरे से सुनाई दे रहा है, इसके साथ में भी हमको किसी की भी मात्रा सुनाई नहीं दे रही है, तो हमने केवल द लिखा हुआ है यहाँ पर। इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चों, अ म रूद अमरूद। ये भी बहुत आसान है लिखना, अब ये भी सब बच्चों के घर में होता है ना, क्योंकि सब बच्चों को पता है कि कचरा हमको बाहर नहीं डालना चाहिए, कचरा हमेशा हमको डस्टबिन के अंदर ही डालना चाहिए, जिससे घर के बाहर और घर के अंदर कभी भी गंदगी नहीं होती है, जिससे बीमारियां नहीं फैलती। गंदगी होने से बीमारियां फैलती है ना, सभी बच्चों को पता है ना। हाँ इसलिए कचरा हमेशा हमको कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन के अंदर। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है, क्या है, कूड़ा दान। क्या बोलते हैं, कूड़ा दान। कूड़ा दान यानी वही डस्टबिन, है ना। तो देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे हम, कू, तो का पे ऊ की मात्रा, डा, डा पे आ की मात्रा, दा, दा पे आ की मात्रा, न, ना अकेला है, इसके साथ में किसी भी मात्रा की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है, धीरे से हमको केवल ना सुनाई दे रहा है, इसलिए हमने केवल अकेला ना लिखा हुआ है। तो इसको भी आप बोलकर देखेंगे फिर लिखेंगे, कू डा दा न, कूड़ा दान। तो ये भी आपको लिखना आसान हो जाएगा। ये देखो, ये भी एक पक्षी है, बर्ड है ना, इसको भी आप जानते हो, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। किस कलर का है ये, ग्रे, है ना। हाँ और ये आपने शायद स्कूल में भी देखा होगा, अपने स्कूल में भी है ये, है ना बच्चों। हाँ इसको हिंदी में बोलते हैं कबूतर। क्या बोलते हैं, कबूतर। तो कबूतर हम लिख कर देखें कि कैसे लिखेंगे कबूतर को बोलकर, उसकी पिक्चर को पहचान कर, क बू, बापर ऊपरी मात्रा सुनाई दे रही है ना हमको। हाँ तो बा के साथ में हमने ऊ की मात्रा को लिखा हुआ है, त र कबूतर। तो ये भी लिखना बहुत आसान हो जाएगा, जब आप मात्रा को पहचान जाएंगे कि किस व्यंजन के साथ में हमको कौन सी स्वर ध्वनि सुनाई दे रही है, तो आप आसानी से उस मात्रा को उस व्यंजन के साथ लगा सकते हैं। लेकिन आपको
एक शब्द को दो या तीन बार बोलकर देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इसके साथ में कौन सी मात्रा को हमको लगाना है, रखना है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या सीखे, चित्रों के नाम लिखना, पहले चित्रों को पहचानना, समझना, फिर उनके नाम को बोलकर देखना और फिर उनके नामों को लिखना। तो एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं, ठीक है। सारे चित्रों को फिर से एक बार देखते हैं ना, जिससे आपकी रीडिंग हो जाएगी अच्छे से। फूल क्या है बच्चों, यह है फूल। तो साथ में आपको चित्र के साथ में बोलना है और इसको पढ़ना भी है, ठीक है। हाँ बोलो, फूल फूल। आलू आलू। भालू भालू। काजू काजू। चाकू चाकू। चूहा चूहा। कुत्ता दूध दूध। झूला झूला। झाड़ू झाड़ू। डमरू डमरू। तराजू तराजू। सब बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं ना और देख रहे हैं ना पिक्चर्स को, बहुत सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी पिक्चर्स हैं। सूरज सूरज। फूलदान, देखो यहाँ पढ़ेंगे फूलदान, इसको आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है फूलदान? अमरूद अमरूद अमरूद। कूड़ा दान कूड़ा दान कूड़ा दान। कबूतर कबूतर कबूतर। तो इस प्रकार जब हम दो या तीन बार इसको पढ़ेंगे तो हम जल्दी जल्दी रीडिंग भी कर सकते हैं, हमको किसी को भी लिखने में परेशानी नहीं होगी बच्चों। तो पहले हम चित्रों को देखेंगे, समझेंगे और फिर उसके नाम को बोलकर देखेंगे, फिर उसके नाम को हम लिखेंगे, तभी हमारी गलतियां नहीं होंगी। ठीक है बच्चों, समझ के लिखोगे उसकी मात्रा को तो बिल्कुल भी गलतियां नहीं होंगी। अब गलतियां होती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि गलती करने से ही हम सीखते हैं, हमको समझ में आ जाता है कि हमने यहाँ पर क्या गलत लिख दिया, फिर हम दूसरी बार उसको सही कर देते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ तो आज आप क्या करेंगे, आज आप ये वाले चित्र बनाएंगे अपनी कॉपी में, हिंदी वाली में, और उनके नामों को जो आप मन से लिख सकते हैं चित्र को देखकर वो मन से लिखेंगे, और अगर आप मन से नहीं लिख पाते हैं सोचकर समझकर तो आप देखकर भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा ये काम खत्म होता है, चित्रों के नाम आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों कैसा लगा आज का क्लास आपको? उम्मीद है सब बच्चों को बहुत अच्छी लगी होगी आज की क्लास, क्योंकि बच्चों को चित्रों को देखने में बहुत मजा आता है। तो आज रात को क्या करने वाले हैं सारे बच्चे? चित्र बनाने वाले हैं, कलर करने वाले हैं और उनके नाम लिखने वाले हैं। और जितना हो सके उतना ही करना, कल भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आज ही पूरा काम करना है आपको, जितना मन हो उतना ही करना, ठीक है। लेकिन साथ में रीडिंग भी करना, पढ़ना भी है साथ में, ठीक है बच्चों। ओके, अब हम शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। सायरम चिल्ड्रेन, थैंक यू।